सभी फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, ये है, आप इसको पहचान गए होंगे देख के, ये है ओट्स मशरूम, जो ओट्स में निकलते हैं ये मशरूम जो, और इसको हम बनाएंगे हमारे भाषा में इसको ओइक, ये है, हम लोग ओइक बोलते हैं इसको। और इसका साइंटिफिक नेम है फाउजोलजिया। और यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी, ये है हमारे भाषा में ओनियन, और ये शेजवान है, इसको मिक्स करके बनाऊँगी। तो मैंने गर्म पानी ऑलरेडी वहाँ में गर्म करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल वे से मैं बनाऊँगी। ये इंग्रेडिएंट्स 1, 2, 3, 4 यही है, और लास्ट में जब पकने के बाद में ये बम्बू शूट डाल दूँगी। मेरा गर्म पानी गर्म हो रहा है, तो मैं डाल दूँगी हैन ऑफ देवोट्स मशरूम, ये है, और इसको उबलने देंगे अच्छे से। यहाँ पे है नमक, रख दूँगी पकने के लिए, उबलने के लिए। देखिए इतने सुंदर से उबल रहे हैं, फिर डाल दूँगी। दोस्तों मैंने मिला दिया है यहाँ पे ओइक फाउजोलजिया को, तो आप देख सकते हैं धुआँ से शायद उतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मैं मिला दूँगी सबको अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा बार बार हिलाना पड़ता है, हिलाना है इसको, तो तभी यहाँ का टेस्ट उभर के आएगा। और ये ओइक जो हमारे गालों में बहुत ही चलता है, हर घर में बिना ओइक के नहीं चलते, जैसे बिना दाल के किसी किसी का नहीं होता है, तो हमारे गालों में भी बिना ओइक के नहीं चलते हैं। तो हर समय एक ओइक सब्जी, तो ओइक ये फाउजोलजिया सब्जी ये होना ही है, और ज़्यादातर मेरे गालों लोग इस तरह ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे पक रहे हैं मेरे सब्जी, बहुत ही टेस्ट इसका अलग ही होता है स्वाद जो, देख सकते हैं। इस पे मैंने, मेरा सब्जी पक चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया है बम्बू शूट, तो इसको मिलाऊंगी अच्छी तरीके से, अच्छी तरह, और उसके बाद उबलने दूंगी कुछ मिनट्स तक। तो जब तक मेरे बम्बू शूट जो पक के यहाँ पे टेस्ट नहीं छोड़ते, तब तक मैं इसको उबलने दूंगी। ये है ओट्स मशरूम विद जलजो जिया, और यहाँ पे है मेरा सलाद, मेरा आज का डिनर, और यहाँ पे है चटनी।